आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 12 से 14 साल के बीच में हो या 35 से 50 साल की उम्र के हो, स्त्री आकर्षण सभी को होता है। वैसे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये तब काफी खतरनाक हो जाता है जब आपको इसकी आदत लग जाती है। यह स्त्री आकर्षण आपकी सोच को गंदा करने लगता है, जब आप अपनी हदों को पार करने के बारे में सोचने लगते हो, जब आप अपने भविष्य और अपने जीवन को दांव पर लगाकर केवल किसी एक स्त्री के बारे में ही सोचते रहते हो। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे कोई अच्छा लगने लगता है, उसे किसी से प्रेम होता है, लेकिन इंसान को ये समझना चाहिए कि प्रेम जीवन का केवल एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है, और जिस इंसान से वह प्रेम कर रहा है यह प्रेम केवल एक आकर्षण मात्र है। लेकिन इस आकर्षण का असर अगर ठीक से ना समझा जाए तब यही आकर्षण जीवन बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो जब प्रेम में धोखा मिलता है या वो इंसान छोड़कर जाता है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे, तब ये आकर्षण आपके जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगता, आपको इतनी ज्यादा पीड़ा होती है जिसे आप सह नहीं पाते, किसी से बयान भी नहीं कर पाते, और ये परिस्थिति ही स्त्री आकर्षण को एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक चीज बना देती है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर हम फिल्मी सितारों को अपना हीरो मानते हैं और वो हमें केवल प्यार करना, प्यार में पागल हो जाना, प्यार में सभी हदों को पार कर जाना ही सिखा रहे हैं। हमारे आसपास सोशल मीडिया में अश्लीलता भर भर कर परोसी जा रही है, और ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि वह लोग आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपका समय बर्बाद करना है, आपकी सोच को गंदा करना है, आपके भविष्य को खराब करना है, तो आपको स्त्री आकर्षण में फंसाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्त्री आकर्षण की वजह से केवल आज के समाज का युवा बर्बाद नहीं हो रहा, प्राचीन काल में भी स्त्री आकर्षण की वजह से कई बड़े बड़े राजाओं के राज्य समाप्त हो गए, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने किसी एक मनुष्य के प्रति हद से ज्यादा समर्पण दिखाया है उस इंसान का जीवन हमेशा बर्बादी की तरफ ही गया है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि कोई आपको अच्छा लग रहा है तो ये केवल आपके शरीर का हार्मोनल इफेक्ट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिसे आप प्यार समझ रहे हो वो एक अट्रैक्शन मात्र है, और ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। हम अपने अंदर होने वाली हलचल को, अपने अंदर महसूस होने वाले आनंद को दुनिया की सबसे बेहतर चीज समझने लगते हैं, और धीरे धीरे यही चीज हमारी आदत बन जाती है। आप याद रखना, आपके जीवन से ज्यादा ना कोई इंसान महत्वपूर्ण है, ना कोई चीज महत्वपूर्ण है। अगर आपको आत्मज्ञान है, आपको अपनी वैल्यू, अपने समय की वैल्यू है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपका ध्यान भंग नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको अपने बारे में कोई समझ ही नहीं है, तो स्त्री आकर्षण के साथ साथ नशे की लत भी आपको बर्बाद कर सकती है, आप खुद को जुए में बर्बाद कर सकते हैं। आप खुद ध्यान दीजिए कैसे आपके फेवरेट क्रिकेटर आपको जुआ खेलने के लिए, टीम बनाने के लिए दिन रात प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, आपको बर्बाद करने की तमाम चीजें आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे तभी खुद को बचा पाएंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि किसी से प्रेम करना, किसी को जीवन साथी बनाने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें पवित्रता ही नहीं है, अगर इसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण ही नहीं है, तो फिर ये प्रेम नहीं है। ऐसा जीवन साथी किस काम का जो आपका जीवन ही बर्बाद करके चला जाए, ऐसा प्रेम किस काम का जो आपको दुख के सागर में डुबा दे। तो भगवान शिव की तरह अपने तीसरे नेत्र, ज्ञान के नेत्र को खुला रखें, नजर रखें हर उस चीज पर जो आपके आसपास हो रही है। किसी भी आकर्षण को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि वह आपकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दे। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी और को भी ये बातें पता चल पाएं।